बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का नारा बेशर्मों ने ले लिया है, ज्यादा लगता है शर्म आ रही है बिल्किस बानो पे, शर्म होने वाला। बड़ी शर्मनाक घटना है, हिवस्य घटना है, चुनाव का खुमार है, चुनाव में गिफ्ट दिया गया जनता को। अरे एक को एमसीडी मिली, एक को गुजरात मिला। देखिए इस तरह की घटनाएं, अभी मुझे पे आरोप लगा दिया जाएगा आपने मेहताब वाले में क्यों नहीं बोला, मैंने फांसी की मांग की थी। और इन बच्चों को, दुराचारियों को, इनको भी फांसी दी जानी चाहिए, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनके देखिए जिन बच्चों को फांसी दी जाएगी उनके माता पिता से मेरी भी संभावना जुड़ी है भाई, सीधी बात है। लेकिन इस तरह के तत्व अगर समाज में रहेंगे तो ऐसे ही हाथरस उन्नाव और ऐसे बेटियों पर उत्पीड़न बनेगा। और महिला आयोग को इस पर संज्ञान मामला लेते हुए उस बच्ची के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और एक सरकारी आवास देना चाहिए। हिमाचल तो हम लोग भाई देखिए, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली तीनों का चुनाव फिर से करा लो, हम तो पहले से बोल चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की दिल्ली में जो घटना है, देखिए राबिया कांड हुआ था और बच्चियों का रेप हुआ था, मामला मत घुमाइएगा। जब भी बच्चियों पर की वयात आती है तो हमारी सरकारें अंधी और बहरी हो जाती है। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का नारा बेशर्मों ने ले लिया है, ज्यादा लगता है। चीख क्यों है? अरे बाप रे, चीख क्यों रहे हो इतना? क्यों इतना बुरा क्यों लग रहा है भाई? बस शांति रखो, सुन तो लो। शर्म आ रही है बिल्किस बानो पे, शर्म होने सुन मैम आ रही है बोलो रंगीता भंडारी पे, मैम करने चले जाते हो। इतने बहनों का हमारे रेप हो गया, उन्नाव हाथर पे चुप, हमें भेंगे ही करने लगते रहते हो तुम लोग। अरे अपने घर की बहन बेटे देखो, आज भी दामनी नामक बुलंदशहर में एक बच्ची को मार के लटका दिया गया। और शर्म की बात यह है कि उन्हीं की परिवार को गिरफ्तार करा दिया गया। क्या डर नहीं है बाबा की पुलिस को कि क्या कर रही है वो? एक बेटी जो पीड़ित, जिसकी माँ रक्षाबंधन के दिन चली जाती है मामा घर, उसको उसके साथ गैंग रेप, उसके बाद उसको मारा जाता है, उसके बाद वो घटना की जा करने के बाद उस पर ही आरोप लगाया जाता है। पुलिस मोटा कम से कम 20 से 25 लाख रुपए लेकर इस पर सांठगांठ करती है। सांसद अंधा हो जाता है, विधायक मर चुका रहता है बेशर्मो। शर्म और आती है कि नहीं आती बताओ? पहली बात उसी बात सुनो, सुनिए। और हम पे जब मध्य प्रदेश में कपड़े उतार दिए गए थे तब क्यों नहीं बोल पाते? करने आए थे वहाँ पे तुम्हारे कपड़े उतार दिए गए थे, तब तो कहा गया था फांसी ना लगा लो। जब सरकार तुम्हारे कपड़े उतारती है तो तुम कहते मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, बी की बिल्ली यहाँ समझ में। एक मिनट सुनो, सुनो सुनो पहले सुनो, जवाब लिया करो पहले। बीच में बोला नहीं जाता इस तरह से। अगर आप किसी को इंटरप्ट करोगे इसका मतलब यह है कि आप दलाली खा रहे हो और बोले नहीं दे रहे हो। जब महिलाओं की बात आती है, हाथ बिल्किस बानो पे संस्कारी हो गए, अंकिता भंडारी पे चुप हो गए। हम तो अफ्ताब के लिए फांसी की मांग कितनी बार कर, चुप हो गई फांसी उसको। 4 दिन गुजरात चुनाव तक उसको दिखाया गया, ये है लाश मिली, ये मिली। अरे भैया फांसी तो बेशर्मों को, जो भी बहन बेटी खिलाफ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी वर्ग का हो, फांसी फांसी फांसी, बनाओ कानून। लेकिन नहीं, मैं कैसी हो, मैंने खाना खाया, 40 का मैं लेके पहुंच जाएंगे गुजरात। सुनो सुनिए 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 पहले, मोदी सच्चे होते उनके बच्चे होते, सुनिए। मैं तो ग्राउंड में दिखा के देखता हूँ, झूठ दिख रहा है। सिलेंडर का बाटला नहीं दिखा, गाँव में दिखाया झूठ है कि सच है? हम तो दिखाने पर विश्वास करते, कहने पर नहीं। आज भी देश में 61 गैंग रेप गुजरात में हुए, 3,000 ज़्यादा रेप गुजरात में हुए, 6,000 स्कूल बंद कर दिए गए। आज भी गांव की ज़मीनें बेची जाए ठेकेदारों पे। यहाँ पे कितने जनरल खड़े हुए जिन्होंने गुजरात कवर किया, लाइव कवर किया कि खेतों में हेलीपैड बना दिए गए थे, मजाक बना दिया गया था। ये चीज़ कांग्रेस चुपड़ा साफ हुआ है कि ईवीएम ने साफ करा दिया इनको, ये भी देखना है ना आप लोगों को कि कांग्रेस से चुपड़ा साफ हुआ है, कैसे इन्होंने काम कर लिया है। बीजेपी जीत रही है कि ईवीएम जीत रहा? बीजेपी जीत रही है कि ईवीएम जीत रहा? जीत रहा ईवीएम ना भाई। ईवीएम का देखिए मसला ये है कि 20 लाख ईवीएम गायब है, चुनाव आयोग ने कहा है। चुनाव मैं कह रहा हूँ 20 लाख ईवीएम जो चुनाव आयोग ने कहा गायब है, वो कहाँ है, किसके पास है? अब मैं एक शख्स से मिलाना चाहूंगा जिस घटना का बुलंदशहर का मैंने जिक्र किया था, जहाँ उस बेटी को मार के लटका दिया गया, उस पीड़ित का भाई मेरे साथ है। आप इनको भी समय दें, इनकी बात भी रखी जाए मीडिया पे। रक्षाबंधन का टाइम था और तेज बोलिए, रक्षाबंधन का टाइम था, मेरी बहन थी 15 साल 7 महीने उसकी उम्र थी, उसकी मम्मी और बड़ा वाला भाई मायके गया था अपने रक्षाबंधन पर, और पिताजी 12 पर गए थे, छोटा वाला भाई उसके साथ था। तो वो सुबह घेर में चारा डालने गई थी, तो साथ में एक पड़ोसी का मकान मिला हुआ है हमारी मकान से, तो 2 फुट की बाउंड्री है, उसको वहाँ से ले आकर के
अपने घर में पहले नीचे मारा, मार करके एक बिजली के तार पे टांग दिया। गांव वालों के द्वारा पता चला कि आपकी लड़की को मार करके पीछे सुरेश सनोब लाल सिंह के घर में टांग रखा है। तो हम जब तक जाते हैं तो पूरे मकान का ताला लगा करके आरोपी ने सिर्फ मेन गेट का खोल रखा था। तो हम जब तक जाते हैं तो वो फरार हो चुके होते हैं और पुलिस ने ही आकर उसे अपने घर से उतारा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जो कि पूरी तरह फर्जी होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हमें डिले करते करते हमें 22 दिन बाद दी जाती है कि आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ लड़की का फांसी लगाने का कारण आया है। जो कि घर पे 8 सदस्य मौजूद होते हैं और 8 बच्चे होते हैं, उनके बीच में जाकर के सिर्फ मरती है तो सिर्फ हमारी बहन मरती है। और कोई भी आरोपी, एक आरोपी को 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है पुलिस 302 का, और एक आरोपी को गिरफ्तार करती है जिसे नाबालिग बनाया गया। और वो नाबालिग नहीं है, उसकी 22 साल उम्र उसके पिताजी के बयान के द्वारा मैच की गई है। जो कि TC उसने 6ठी क्लास में एडमिशन लिया है वो पूरी तरह फर्जी है। जो कि 5वीं में उसका कोई भी स्कूल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो पूरी तरह फर्जी है। उसको 22 साल के लड़के को 15 साल का बना दिया गया और वो पूरा केस नाबालिग लड़के के ऊपर कर दिया गया। अब आपसे ये कार्रवाई हुई है, उसमें सिर्फ कार्रवाई ये हुई है कि एक लड़के को 376 पॉक्सो एक्ट और 302 कांग्रेस दो का मामला। पूनम पंडित जी को इस घटना की पूरी जानकारी है, थोड़ा कभी मिले तो उनको भी याद दिला दीजिएगा आप लोग। 302 का मामला होने के बावजूद उसे 306 में तब्दील कर दिया गया और उस लड़के को नाबालिग जेल में वो अभी सजा काट रहा है, जो कि बालिक वाले जेल में जाना चाहिए। हम सरकार से काफी, हम तो सांसदों के पास और विधायकों के पास, जो भी जिस पार्टी के पास हमें जाना चाहते थे सबके पास गए हम, पर हमें कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस वाले तो बिल्कुल भी हमारी कोई सुनी नहीं रहा जी। तो मतलब ये है कि हमारा कहने का मतलब है कि इस मसले पे बुलंदशहर के SP से भी बात करूंगा, ऑन रिकॉर्ड इन्हीं पब्लिक के बीच में इनसे बात भी करूंगा। आगे की रणनीति हम बाद में बात करेंगे। धन्यवाद, बहुत जय हिंद, जय भारत।